बस्ती प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जिले के 1013 स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसाय तथा खोमचे वाले को 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त अनिल कुमार सागर, नगर पालिका अध्यक्ष रूपम मिश्रा, जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा तथा जनप्रतिनिधियों ने श्रीमती शीला इंसाफ अली, अजय संजय, विकास चंद्र, राकेश, चंद्रिका प्रसाद, सभापति धर्मेंद्र, मुकेश, संतोष लक्ष्मण, काशी प्रसाद, मुन्नी देवी, सरस्वती देवी, कृष्ण महेंद्र आदि को ऋण की धनराशि खाते में जाने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। टाउन क्लब में आयोजित ऋण वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने सभी का आह्वान किया कि इस समय से ऋण का भुगतान करके बड़े ऋण के लिए आवेदन करें। मंडलायुक्त ने कहा कि ऐसे ऋण प्रदान करने का उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन में गुणवत्ता पूर्वक सुधार लाने का है। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पर गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए मोहम्मद यूनुस ने छोटे ऋण दिलाया, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि गुजरात में सेवा संस्थान महिलाओं को छोटे ऋण दे करके उनके जीवन में सुधार का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने ऋण देने वाले बैंकों को आश्वस्त किया कि गरीब व्यक्ति अपना ऋण समय से चुकता करता है। इसके लिए उन्होंने योजना को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मियों को बधाई दी। जिलाधिकारी ने कहा, इस योजना में ऋण के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसमें ऋण भुगतान डिजिटल तरीके से करने पर कैशबैक की सुविधा है। उन्होंने बताया कि जिले में इस योजना में 1309 स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष 1013 स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित करके 88% की उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने शेष 2265 लाभार्थियों का ऋण वितरण शीघ्र कराने का निर्देश दिया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्रा ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि नगर पालिका बस्ती द्वारा 715 स्ट्रीट वेंडर को इस ऋण की सुविधा दी गई है। समारोह को जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि राजेश चौधरी, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ला, प्रदीप पांडे, मोहंती दुबे, हरीश सिंह, ASP रविंद्र सिंह, लीड बैंक मैनेजर अविश्वनाथ चंद्रा, अधिशासी अधिकार अखिलेश त्रिपाठी, सभासदगण परमेश्वर शुक्ला, प्रभाकर मनीष त्रिपाठी, अतुल सिंह, संतोष शुक्ला, गिरीश सिंह प्रफुल्ल लाभार्थी गण उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि गुजरात में सेवा संस्थान महिलाओं को छोटे ऋण दे करके उनके जीवन स्तर में सुधार का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने ऋण देने वाले बैंकों को आश्वस्त किया कि गरीब व्यक्ति अपना ऋण समय से चुकता करता है। इसके लिए उन्होंने योजना को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मियों को बधाई दी। जिला अधिकारी ने कहा कि इस योजना में ऋण के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसमें ऋण भुगतान डिजिटल तरीके से करने पर कैशबैक की सुविधा है। उन्होंने बताया कि जिले में इस योजना में 1309 स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष 1013 स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित करके 88% की उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने शेष 2265 लाभार्थियों का ऋण वितरण शीघ्र कराने का निर्देश दिया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्रा ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि नगर पालिका बस्ती द्वारा 715 स्ट्रीट वेंडर को इस ऋण की सुविधा दी गई है। समारोह को जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि राजेश चौधरी, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ला, प्रदीप पांडे, मोहंती दुबे, हरीश सिंह, ASP रविंद्र सिंह, लीड बैंक मैनेजर अविनाश चंद्रा, अधिशासी अधिकारी अखिलेश त्रिपाठी, सभासदगण परमेश्वर शुक्ला, प्रभाकर मणि त्रिपाठी, अतुल सिंह, संतोष शुक्ला, गिरीश सिंह प्रफुल्ल लाभार्थीगण उपस्थित रहे। समारोह के अंत में अपर जिलाधिकारी ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि बस्ती के साथ साथ नगर पंचायत हर्रैया में 102, भन्नान में 134, रुधौली में 47 तथा बनकटी में 15 लाभार्थियों को ऋण दिया गया है। समारोह का संचालन प्रधानाचार्य योगेश शुक्ला ने किया। इसके पूर्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आगरा, वाराणसी तथा लखनऊ के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके संवाद किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टाउन क्लब में तथा अन्य नगर निकायों में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं।
पटरी व्यवसायी आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके योजना को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मियों को बधाई दी। इस योजना में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में 25 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने इन योजना में ऑनलाइन आवेदन किया। इसमें से 12 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में से 6 करोड़ 50 लाख उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें से 3 करोड़ 75 लाख का ऋण स्वीकृत हो गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन हम लोगों को अभी भी पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्य करना है। उन्होंने आने वाले त्योहारों के लिए सभी को शुभकामनाएं व्यक्त की तथा 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का पालन करते हुए कार्य करने की हिदायत भी दी। लखनऊ में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया तथा बताया कि इस योजना में प्रदेश में 7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके मार्ग निर्देशन में प्रदेश सभी योजनाओं को भली प्रकार से क्रियान्वयन करेगा। इस अवसर पर लखनऊ में नगर विकास, शहरी, ग्राम समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन तथा विभाग के राज्य मंत्री महेश गुप्ता, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं उद्योग नवनीत सहगल उपस्थित रहे। राजन कुमार की खास रिपोर्ट।